यह फिल्म एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे एक खतरनाक जीव से प्यार हो जाता है, लेकिन यह जीव एक बड़ी मुसीबत में था। यह लड़की इस जीव से कैसे छुटकारा पाती है और उनके बीच के रिश्ते का क्या परिणाम होता है। यह फिल्म बहुत ही रोचक है। फिल्म की शुरुआत में एक शहर में एक लड़की का नाम एलिसिया दिखाया गया है। एलिसिया का कोई दोस्त नहीं है जिसकी वजह से वह अकेली रहती है। एलिसिया बोल नहीं सकती। एलिसिया का एक पड़ोसी है जिसका नाम जाइल्स है। एलिसिया एक प्रयोगशाला में काम करती है जहां उसका एक सहकर्मी है जो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। केवल उसे एलिसिया पसंद थी, बाकी लोग उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे, इसलिए एलिसिया किसी से बात नहीं करती थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक अधिकारी आता है और सबको बताता है कि आज हमारी लैब में एक टीम आ रही है जो अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जो बेहद रहस्यमयी है और इसे पहले किसी ने नहीं देखा होगा। तभी वो टीम वहां आती है और उनके साथ पानी की एक बड़ी टंकी होती है। इस टैंक के पानी में कुछ अजीब है। जब एलिसिया उसके पास जाता है तो वह हिलने लगती है। तभी एक टीम आती है और इस रहस्यमयी चीज को लैब में सुरक्षित जगह पर ले जाती है। एलिसिया और उसके दोस्त कुछ भी नहीं समझते। अगले दिन जब लोग सफाई कर रहे होते हैं तो उन्हें उस कमरे में आवाज सुनाई देती है, मानो कोई चिल्ला रहा हो। उसके साथ एक शख्स वहां से निकलता दिख रहा है। वहां कर्नल कौन है? उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ है। इधर कर्नल इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड भी हैं। उसके हाथ से लगातार खून बह रहा है। तभी एक टीम आती है और कर्नल को अपने साथ ले जाती है। एलिसिया और उसकी सहेली को यह आदेश दिया जाता है कि वह इस कमरे को ठीक से साफ करे। जब एलिसिया और उसके दोस्त अंदर जाते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। चारों ओर खून है, दो कटी हुई उंगलियां भी हैं। वह उस उंगली को एक पैकेट में रख देती है। उसका दोस्त किसी को बुलाने के लिए बाहर जाता है। एलिसिया आगे बढ़ता है और देखता है कि एक बड़े पानी के टैंक में एक प्राणी है। यह बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता है। जब यह एलिसिया को देखता है तो यह करीब आता है। तभी एलिसिया का दोस्त और एक अधिकारी वहां आते हैं। फिर वह जीव वापस चला जाता है। अब एलिसिया को उस जीव के बारे में पता चल गया था। अगले दिन एलिसिया उस जीव के पास जाती है जिसे एक बड़े कुंड में रखा गया है। वह अपने साथ एक अंडा भी लाती है। वह चम्मच से अंडे को उगलती है जिससे स्वर का जन्म हुआ, क्योंकि एलिसिया बोल नहीं सकती थी। आवाज सुनकर वह जीव बाहर निकल आता है। एलिसिया उस जीव को एक अंडा देती है, लेकिन यह बहुत डरा हुआ है क्योंकि यह एलिसिया के हाथ से अंडे नहीं लेती। तो एलिसिया उस अंडे को छीलकर पूल के किनारे रख देती है। वह जीव उस अंडे को लेकर वापस पानी में चला जाता है। एलिसिया भी बाहर आती है। इसके बाद वह कर्नल एलिसिया और उसकी सहेली को अपने केबिन में बुलाता है। वह उन्हें उस प्राणी से जितना हो सके दूर रहने के लिए कहता है। यह बहुत ही खतरनाक जानवर है, आपका कर्तव्य केवल उस कमरे को साफ करना है। लेकिन एलिसिया कर्नल की बात नहीं मानती। दूसरा एलिसिया अंडा लेता है, म्यूजिक सिस्टम भी लेता है। वह संगीत बजाती है और अंडे को भी निकालकर किनारे पर रख देती है। वह जीव बाहर आकर संगीत सुनने के साथ साथ अंडे खाने लगता है। एलिसिया ने अपना लंच भी वहीं खत्म किया। ऐसे में एलिसिया रोजाना लंच के दौरान वहां आती है और अपना समय बिताती है। वह जीव की भाषा नहीं समझ पा रही थी, लेकिन फिर भी वे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन वे दोनों इस तरह आनंद लेते हैं। तभी डॉक्टर वहां आता है और वह दोनों को आपस में बात करते हुए सुनता है, लेकिन वह यह सब देखकर छिप जाता है क्योंकि वह डॉक्टर इस जीव पर अपना शोध कर रहा था। वह समझता है कि उनके बीच एक रिश्ता है। वह डॉक्टर एक वैज्ञानिक है जो अमेरिका के लिए शोध कर रहा है। वह एक जर्मन एजेंट भी है। दूसरी एलिसिया सफाई करने के लिए अंदर जाती है। वह हैरान है क्योंकि वह जीव जंजीरों से बंधा हुआ था। वह प्राणी बहुत आहत है। तभी उसे पता चलता है कि कोई इस तरफ आ रहा है। वह जल्दी से छिप जाती है। कर्नल और उनकी टीम अंदर जाती है। वहां बिजली की रॉड पड़ी है। कर्नल रॉड उठाता है और जीव को बिजली का झटका देता है। जीव बहुत चिंतित है। तभी वहां जनरल आता है। वह इस जीव को देखकर बहुत खुश होता है। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि यह इतना बड़ा जीव होगा, मैंने सोचा था कि यह बहुत छोटा होगा। कर्नल का कहना है कि अमेजन के जंगल में रहने वाले लोग इसे अपना भगवान मानते हैं और इसकी पूजा करें। कर्नल का कहना है कि अगर हमें इसके बारे में जानना है तो हमें इसे मारना होगा, क्योंकि तभी पता चलेगा कि इसकी बॉडी में क्या खास है। डॉक्टर का कहना है कि इसकी हालत बहुत खराब है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह दो जगहों से सांस ले सकता है। हमें इस पर शोध करना चाहिए, मारने से कोई फायदा नहीं होगा। कर्नल डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि अगर हम इसे तुरंत पानी में नहीं छोड़े तो यह कभी भी मर सकता है। जीव को पानी में डाल दिया जाता है। डॉक्टर सबसे कहता है कि तुम इस जीव को नहीं मार सकते। जनरल कहते हैं कि आप मुझे यह मत समझाइए कि मुझे क्या करना है। मुझे इस प्राणी के साथ जो कुछ भी करना है करने का पूरा अधिकार है, यह मेरी इच्छा है। वह कर्नल से कहता है कि वह इस प्राणी को फाड़ दे और जितनी जल्दी हो सके मुझे इसकी सूचना दे, ताकि हम जान सकें कि यह चीज क्या है। यह सुनकर डॉक्टर बहुत दुखी हुआ। वह इस बेजुबान जानवर को मारना नहीं चाहता था। एलिसिया ने कर्नल और जनरल के बीच हुई हर बात को भी सुना था। वह भी सब कुछ समझ चुकी थी। वह भी बहुत दुखी हो जाती है। वह घर जाती है और जाइल्स को सब कुछ बताती है कि वे उसे मार डालेंगे। हमें कुछ करना चाहिए।
लेकिन ज़ाइल सेलिसिया को समझाता है कि जिन लोगों ने उसे कैद किया है वे बहुत शक्तिशाली लोग हैं और हम साधारण लोग हैं। ज़ाइल यह कहकर बाहर चले जाते हैं। एलिसिया बहुत दुखी हो जाती है। तब ज़ाइल सोचता है कि मेरे सिवा और कौन है, इसलिए वे वापस आते हैं और एलिसिया से कहते हैं कि हम परिवार हैं और हम आपका समर्थन करेंगे। वे दोनों योजनाएं बनाते हैं। सबसे पहले एलिसिया वहां जाती है और सभी कैमरों को उल्टा कर देती है ताकि किसी को पता न चल सके कि इस जीव को कौन ले गया। फिर वह एक ठेले में ढेर सारे तौलिये रखती है। फिर वह पूल में जीव के पास जाती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर वहां आता है। एलिसिया उसे देखकर डर जाती है, लेकिन डॉक्टर भी जीव को बचाना चाहते थे, इसलिए वह जंजीरों की चाबी एलिसिया को देता है। वह उसे खोलती है और गाड़ी में रख देती है। जब वह गाड़ी ले जा रही होती है तो रास्ते में उसे अपनी सहेली मिल जाती है। वह तुरंत समझ जाती है कि एलिसिया क्या कर रही है। पहले वह उसे मना करती है, लेकिन जब एलिसिया उसे सब कुछ बताती है तो वह समझ जाती है और उसे जाने देती है। वे दोनों बाहर आते हैं। ज़ाइल्स अपनी कार अंदर लाता है। गार्ड को शक हो जाता है, इसलिए वह अंदर नहीं जाने देता। गार्ड को निर्वस्त्र करके डॉक्टर भी उसकी मदद करता है। फिर वे दोनों जीव को लेकर बाहर आते हैं और कार में दौड़ना शुरू कर दें। एलिसिया जीव को अपने घर ले जाती है और बाथटब में रख देती है क्योंकि उसे पानी की जरूरत थी। एलिसिया अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश है और उसने फैसला किया कि वह उसे 10 तारीख को नदी में छोड़ देगी क्योंकि 10 तारीख को बारिश की संभावना थी। पानी के सहारे वह अपने घर चला जाएगा। अगले दिन एलिसिया और उसकी सहेली काम पर पहुंचती हैं ताकि किसी को शक न हो। यहां ज़ाइल्स प्राणी के साथ है और वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। इस बीच ज़ाइल्स की आंखों में चोट लग गई। जीव बाथटब से बाहर आता है जहां ज़ाइल्स की पालतू बिल्ली है। वह उसे खाना शुरू कर देता है। तब ज़ाइल्स की आंखें खुलती हैं। वह ऐसा करने से मना करता है। प्राणी ज़ाइल्स को घायल कर देता है और भाग जाता है। तभी एलिसिया वहां आती है। ज़ाइल्स उसे सब कुछ बताता है। उनका कहना है कि वह बहुत डरे हुए थे, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जाओ और उसके लिए पानी लाओ। एलिसिया जाती है और उसे घर ले आती है। प्राणी में भावनाएं थी, इसलिए जब वह घर आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर उसने अपना हाथ ज़ाइल्स के सिर पर रखा और उसके सिर पर हाथ रखने को कहता है और ज़ाइल्स भी ऐसा ही करते हैं। वह यह देखकर हैरान है कि उसका घाव पूरी तरह ठीक हो गया है। उसने अपना सिर पकड़ लिया और पाया कि उसके गंजे सिर पर बाल थे। उसने महसूस किया कि इस जीव में कुछ शक्ति है। यहां एलिसिया और जीव एक दूसरे के बहुत करीब थे, वे अंतरंग भी हैं। इधर कर्नल बहुत गुस्से में हैं। वह कर्नल को धमकी देता है कि यदि आप जीव को जल्द से जल्द नहीं पाते हैं तब आपका निजी और पेशेवर जीवन संकट में रहेगा। कर्नल उसे जल्द से जल्द खोजने का वादा करता है। वह डॉक्टर पर शक करता है क्योंकि वह अपनी जान बचाना चाहता था। वह डॉक्टर के घर जाता है। वह देखता है कि डॉक्टर घर के बाहर किसी से मिल रहा है। तभी दो लोगों ने डॉक्टर पर गोली चलानी शुरू कर दी। कर्नल उन दोनों को मार डालता है। वह डॉक्टर को रूसी भाषा में बात करते हुए सुनता है। वह सुनता है कि डॉक्टर एक एजेंट है। वह उसके पास जाता है और जीव के बारे में पूछता है। डॉक्टर कर्नल को कुछ नहीं बताता। जब कर्नल डॉक्टर को खूब प्रताड़ित करता है, कर्नल डॉक्टर को मारने लगता है। डॉक्टर एक बात कहते हैं, सफाई कर्मचारी। कर्नल ने डॉक्टर को मार डाला। उसे एलिसिया के दोस्त पर शक है क्योंकि एलिसिया बोल नहीं सकती थी। वह एलिसिया के दोस्त के घर जाता है और उस पर दबाव बनाकर जीव के बारे में पूछता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। उसका पति डर जाता है। वह उसे बताता है कि उसने बातचीत सुनी है एलिसिया और उसकी पत्नी के बीच। प्राणी एलिसिया के घर पर है। कर्नल एलिसिया के घर जाता है। एलिसिया की सहेली ने उसे फोन किया और बताया कि कर्नल आपके घर आ रहा है, तुम कहीं भाग जाओ। उस दिन 10 तारीख है और बारिश हो रही है। एलिसिया प्राणी के साथ नदी में जाती है। कर्नल एलिसिया के घर आता है। उसे वहां कोई नहीं मिला। फिर वह कैलेंडर देखती है और उस पर एक नोट लिखा हुआ है, उस दिन उसे नदी पर छोड़ना है। वह नदी पर जाती है और एलिसिया अपनी सहेली के साथ नदी पर पहुंच गई है। वह उसे अलविदा कह रही है। फिर कर्नल आता है। वह दोनों को गोली मार देता है। दोनों गिर जाते हैं। तब जीव उठता है। इससे पहले कि कर्नल फिर से गोली चला सके, जीव कर्नल के पास पहुंचता है। इससे पहले कि कर्नल कुछ सोचते, जीव उसे मार डालता है। फिर प्राणी एलिसिया को उठा लेता है और समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। उसने एलिसिया की गर्दन पर हाथ रखा और उसके गले पर निशान बना हुआ है और एलिसिया पानी में सांस लेने में सक्षम है और प्राणी एलिसिया को वापस जीवन में लाता है। उसके पास बहुत शक्तियां हैं और उसे गहरे समुद्र में ले जाता है जहां उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। एलिसिया भी उसके साथ रहने लगती है और दोनों की प्रेम कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको एलिसिया का किरदार पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और